इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन द लिक्विडिटी रेशोज़ सो किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजिशन को या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेहतर तौर पर जानने के लिए हम मुख्तलिफ तरह की रेशोज़ को कंसिडर करते हैं कैलकुलेट करते हैं असेस करते हैं और उनकी बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमें इन कंपनीों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं नाउ लिक्विडिटी रेशो हमें बताती है एज द नेम स्पेसिफाइज लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश तो लिक्विडिटी रेशो बताती है कि किसी भी फर्म के पास उसके शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को या बिल्स वगैरह को या जो भी एकदम फ़ौर उसको कोई अदायगियाँ करनी है उसके लिए उसके पास कितना कैश मौजूद है नाओ लिक्विडिटी रेशो के लिए हम जो दो अहम रेशोज़ तो इस्तेमाल करते हैं लिक्विडिटी रेशो को मायर करने के लिए द फर्स्ट वन इज़ द करंट रेशो

लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं वो आपके पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बॉन्ड्स के फॉर्म में आपने बिजली का बिल अदा करना है आप उस बॉन्ड से बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते तो कंपनी अगर बिजली का बिल अदा नहीं करेगी बिजली कट कर जाएगी उसका सारा निज़ाम दरम बरम हो सकता है लिहाजा लिक्विडिटी रेशोस हमें ये बताते हैं कि कोई भी कंपनी के पास कितना रेडी कैश अवेलेबल है अपने इस तरह के शॉर्ट टर्म इमीजिएट वाले डे टू डे एक्सपेंसिस को बीअर करने के लिए उसको उनको मीट करने के लिए सो लिक्विडिटी रेशोस आर वेरी यूजफुल बिकॉज वी यूज देम फॉर कंपेरिजन्स फॉर मेकिंग कंपेरिजन्स एंड दीज एंड दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल एनालिसिस नाउ वेन वी से इंटरनल एनालिसिस इसका मतलब ये है कि आप कंपनी के मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड्स को एक ही कंपनी के मल्टीपल अकाउंट अकाउंटिंग पीरियड्स के ऊपर मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के ऊपर आप सेम अकाउंटिंग मैथड्स को इस्तेमाल करते हुए लिक्विडिटी रेशोस को कैलकुलेट करें और कंपेयर करें राइट दिस इज कॉल्ड द इंटरनल एनालिसिस दिस काइंड ऑफ इंटरनल एनालिसिस हेल्प अस इन कीपिंग अ ट्रैक ऑफ चेंजेस इन दैट बिजनेस के लिक्विडिटी रेशियो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है या स्टेबल है स्टेबिलिटी शो कर रही है सो दीज आर हेल्पिंग आस सच कंपेरिजन विल हेल्प आस इन ट्रैकिंग चेंजेस इन स्पेसिफिक बिजनेस जहाँ इंटरनल एनालिसिस करते हैं हायर लिक्विडिटी रेशो इंडिकेट करती है दैट कैप कंपनी इज कीपिंग मोर मनी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड हैज़ बेटर कवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कैश अपने पास रख लेंगे अपने एक्सपेंसेस से भी ज़्यादा तो नेचुरली जब आप कैश के फॉर्म में मनी रखते हैं तो वो कुछ अर्न नहीं कर रहा होता तो आप उसकी प्राइस पे कर रहे होते हैं तो देर फॉर पीपल डू नॉट प्रिफर टू कीप लॉट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश इन कॉर्पोरेशन और अ कंपनी सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग जब हमने इंटरनल एनालिसिस किया इसका मतलब ये है कि आप उसी कंपनी के डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स को अकाउंट फॉर करके उनकी लिक्विडिटी रेशो निकालते हैं और उसको कंपेरिजन कर रहे हैं बट देर इज़ एन एक्सटर्नल एनालिसिस ऑल्सो एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब ये है कि आप एक कंपनी के लिक्विडिटी रेशो को उसी कंपनी की और उसी सेक्टर की और कंपनियों से और सारी इंडस्ट्री को के लिक्विडिटी रेशो के साथ में कंपेयर करते हैं और देखते हैं अंदाज़ा लगाते हैं कि ये आ, बहुत ज़्यादा कैश बहुत हाईली लिक्विड लिक्विडिटी मेंटेन करने वाली कंपनी है या इट इज समथिंग विच इज एट पार विद द इंडस्ट्री के इसमें कोई बुराई नहीं है कि बाकी के तमाम लोग भी इसी तरह का लिक्विडिटी को मेंटेन कर रहे हैं दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट हेल्प्स आस इन कंपेयरिंग द कंपनीज स्ट्रटिजिक पोजिशनिंग इन रिलेशन इन रिलेशन टू इट्स कंपेटिटर्स Uh, जब वो ख़ास तौर पे जब वो अपने लिए कोई बेंच गोल सेट करती है तो उसको मेंटेन करना पड़ता है एक सर्टन लेवल ऑफ लिक्विडिटी के फॉर्म में अपने पास कोई एसेट्स को रखना पड़ता है कैश के फॉर्म में मनी ताकि वो अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनको वो प्रॉपरली मैनेज कर सके लिक्विडिटी रेशियो अनालस अगैन इफ़ वी लुक अक्रॉस इफ़ वी मेक कंपेरिजन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसिस के अंदर अगर हम लिक्विडिटी रेशियोज़ uh, की कम्पेरिजन करेंगे तो इट वुड नॉट बी वेरी इफेक्टिव एज आई मैंशन अर्लियर तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सी के आप कंपेयर कर रहे हैं एक कॉरपोरेशन को उसी के सेक्टर की कॉरपोरेशन से या पूरी की पूरी इंडस्ट्री के साथ आप उसको कम्पेयर करेंगे तो इट विल बी आर इट विल गिव यू आर बेटर ओवर ऑफ हाउ यू आर हाउ दैट पर्टिकुलर कंपनी इज़ डूइंग परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी लिक्विडिटी रेशियो एनालिसिस इज़ लेस इफेक्टिव फॉर कंपेयरिंग बिज़नेसेस ऑफ डिफरेंट साइज़ेस एंड दैट आर लोकेटेड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल पोजिशंस जो जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप लिक्विडिटी रेशो को कंपेयर करेंगे अगर एक कंपनी यू एस ए में ऑपरेट कर रही है दूसरी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है दोनों को लिक्विडिटी रेशोज़ के बेसिस के ऊपर कंपेयर करेंगे तो दिस वुड गिव यू आर वेरी रॉन्ग पिक्चर बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वहाँ का लेवल क्या है कैपिटल को मेनटेन करने का अभी यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट सो इन ऑर्डर टू मेक इट यूज़फुल एंड इफेक्टिव इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप उसी ज्योग्राफ़िकल लोकेशन की और उसी सेक्टर की कंपनियों की लिक्विडिटी रेशोज़ को कम्पेयर करें एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए